गाइस यार एक बहुत बड़ा सीन हो गया भाई। भाई बेचारी अम्मी हमारी अकेली लगी रहती है, इनके लिए जल्दी से एक बहू लानी पड़ेगी। ठीक है तो उसके लिए कहाँ ये कह रहा भाई चल लो मैं डब्बा दिला दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई एक डब्बा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज 26 मार्च और सुबह के बज रहे हैं 4:20 हो रहे हैं। तो अब हम उठ चुके हैं और सहरी करने का टाइम हो गया। मेरी शक्ल पे मत जाना, सुबह सबकी हालत ऐसी होती है। तो अम्मी यहाँ पे सहरी बना चुकी हैं और सबसे पहले यही बैठ गई। क्या हो गया अम्मी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी? नहीं तो भाई अम्मी ने आज बनाया है चिकन हमारे लिए और साथ में रोटी है। तो मैं भी फटाफट से बैठ जाता हूँ और सहरी करते हैं, क्योंकि सहरी का वक्त निकला जा रहा है, टाइम ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर हमने सहरी कर ली है, ब्रश वगैरह करके भी फ्री हो गया। सहरी में यार हम कुछ ज़्यादा नहीं खाते, बस कोई भी सब्जी और साथ में एक या उससे ज़्यादा दो रोटी। तो अभी देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं और साहिल भाई क्या कर रहे हैं। रोज सहरी में बर्तन क्यों धोती हैं? सहरी का काम सहरी में निपटा हूँ। आज का व्लॉग मैं चला रहा हूँ क्योंकि साहिल भाई तो बहुत लेट उठे थे। बस एक सेकेंड से मैं लेट हो गया, वरना इसको ऐसे उठाता आपको बहुत मज़ा आता देखकर। तो बस एक गिलास पानी लेके मैं बैठ जाऊँगा पूरे 15 मिनट तक, उसको धीरे धीरे करके पीऊँगा। और साहिल भाई यहाँ देखो पूरे 15 मिनट तक जो है बंदा मोबाइल चलाता रहेगा, और जब अजान हो जाएगी वजू करके सीधा मस्जिद पहुँच जाएगा। भाई नाजिम भाई भी हमारे साथ आ चुके हैं, फजर के बाद हमें जरूर मिलते हैं। इसी फजर की नमाज भी टकरा सकते भाई, नमाज पढ़ के आ चुके हैं और ये पूरा गेट फैल में लगा रहे हैं। काफ़ी देर हो गई यार, वो नाजिम भाई मिल गए थे, काफ़ी देर से बात करी और अब सोएंगे फटाफट। नींद तो आने ही वाली है, अभी एक घंटा पूरा लगता है नींद आने में, लेकिन कोई नहीं मोबाइल नहीं चलाऊंगा तो जल्दी नींद आ जाएगी। आप बहुत देर से होगी नमाज़ पढ़ने में, अम्मी दुआ मांग रही है भाई। आप भी हम सबके लिए दुआ करना, अल्लाह पाक आपके भाइयों को बहुत कामयाबी अता फरमाए। करते हैं इसको भी फिर यहीं पर कट। अब मिलेंगे आपसे 10, 11, 12 बजे, लेकिन कोशिश करूँगा जल्दी उठ जाए। कुछ कहना है? बस सोते हैं। अच्छा तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आपका भाई जैसे मैंने वादा किया था आज 10:30 बजे ही उठ चुका है। बाकी कोई नहीं उठाया, साहिल अभी सो रहा है, उसको थोड़ी देर में उठाएंगे। और मैं जल्दी इसलिए उठाऊँ क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी है। चैलेंज वीडियो सबसे पहले हम फेसबुक पर लगाते हैं, पूरी लॉन्ग वीडियो जो होती है बाद में यूट्यूब शॉर्ट्स पर लगती है। तो अगर आपको फुल वीडियो का सबसे पहले एसएस चाहिए हो तो फेसबुक पे जाएं, साहिल खान एंटी सर्च करें और वहाँ पे जाके सबसे पहले चैलेंज वीडियो देखें। और अभी मैं वो एडिट करूँगा, उसके बाद नहाऊँगा, फिर जोहर की नमाज़ पढ़ने जाएंगे और उसके बाद शाहिद को भी बुलाएंगे, काफ़ी दिन हो गए उससे मिले हुए। तो अभी बाकी करते हैं सिस्टम स्टार्ट। मेरी एडिटिंग होगी कंप्लीट, एडिटिंग में कुछ ज्यादा खास था नहीं, सिंपल सी वीडियो थी तो जल्दी हो गई। तो ये सारा जो भी शूट था हमने रमजान से पहले ही खत्म कर लिया था, क्योंकि रमजान में हम खाने पीने की वीडियो शूट वगैरह नहीं कर पाते। तो अभी चलते हैं, फिर साहिल भाई को बैठाते हैं, नमाज के लिए तैयार होते हैं। अभी 12:15 हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम बच गया तो मैं फटाफट नहा के भी आ जाऊंगा। तो भाई साहिल भाई सो रहे हैं अभी तक, मैं क्या उठ जाओ, क्या हो गया आज, कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है क्या है, उठ जाओ। मैं उठ जाऊ, 12:30 हो रहे हैं, नमाज का टाइम हो रहा है। एक यार ये मैं इस लाइट से परेशान हूँ, ये जब भी ऑन करता हूँ ना 15 मिनट तो ऐसे ही करती रहेगी, पता नहीं इसमें क्या हो रहा है। अभी नमाज के बाद इसको चेक करूँगा, इसको ठीक करना है। ये देखो ये डिक 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 लगा दी ना। नहीं अभी उसका थंबनेल तो बना ले, थंबनेल बना हुआ उसमें, बस थोड़ा सा लिख ले, लिख दे। मैंने नहीं देखा, मैं तो भाई वीडियो एडिट करी आज जो अपलोड करनी है। तो गाइस जैसा मैंने आपको कहा है ना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके जरूर देखना। कमेंट करना कि भाई मैं यूट्यूब का व्लॉग देख कर आया हूँ आपकी वीडियो देखने। तो मैं जा रहा हूँ नहाने और फिर आपसे मिलते हैं सीधा नमाज के बाद, बाय। हाँ तो भाई नमाज पढ़ के आ चुके हैं और साहिल भाई साथ में मेरे। अब मैं शाहिद को फ़ोन करता हूँ और उसको बुलाता हूँ। तो भाई शाहिद से बात हो गई है, उसके पास अभी कोई स्कूटी नहीं है, एक दोस्त है हमारा अंकित, वो उसकी स्कूटी लेके गया हुआ है। तो भाई इसको तो अभी टाइम लगने वाला है आने में। और साहिल भाई यहाँ पे व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, दिखाओ भाई कौन सा व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। और गाइस ये हमारा फेसबुक पेज है,
इसको जाके जल्दी से फॉलो कर लो। ये भाई हमारा नया व्लॉग अपलोड हो रहा है, बस ऑलमोस्ट हो ही गया, 5 मिनट में हो जाएगा। अभी ये चैनल पे आ जाएगा, आप इसको भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये भी जाके देख लेना। तो भाई अभी अम्मी ने बोला है कुछ कैश निकाल के ले आओ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, कैश चाहिए उनको। तो मैं यहाँ पे बाइक निकाल रहा हूँ और अभी जाएंगे कैश निकालने पे। कितने दिन से नहीं चलाई है ये, इतनी जल्दी हो रही है, और इसको साफ करना पड़ेगा। देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है यार। भाई पर्स भर गया, मैंने सोचा था थोड़े बहुत पैसे निकाल लें। भाई मैं एडिटिंग ही कर रहा था कि उस बंदे का कॉल आ गया कि भाई मैं आ गया हूँ, आप आ जाओ हार्ड ड्राइव लेने। तो अभी मैंने वीडियो तो लगा दी है, इसलिए मैं फटाफट से जा रहा हूँ, कहीं वो बंदा चला ना जाए। भाई अंदर से निकल के आना पड़ता है, पुलिस वाले ना पकड़ के। लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे लोकेशन दिए भाई ने हमें, बंसी वाला नियर जीत्रियस मॉल। भाई हार्ड ड्राइव आ गया, भाई चेक कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे हार्ड ड्राइव लेके आ चुके हैं, और ये देखो कौन आया भाई, ये मेरा भाई शाहिद भी यहाँ पे आ चुका है, फोन पे बात कर रहा है, थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, और इसका बड़ी देर से इंतजार था। ये अच्छे से इसको देख लो, थोड़ा काला आ रहा है यार, यहाँ से ठीक आ रहा है। ये कौन सा था, बहुत कमेंट आ रहे हैं शाहिद लोगी शाहिद ये देखो भाई शाहिद भाई कैसा हीरो लग रहे हैं भाई, नीचे से ऊपर तक चेक करो इनको अच्छे से, ये था उनकी खूबसूरत सी स्माइल। हाय हाय, जब तक मुंह नहीं खोला था तब तक सही लग रहा था। वाले काट दियो। चलो भाई ऊपर बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं अपनी। चलो भाई चले सर, आप चले। अरे सर आप पहले, आप भाई अंधेरा आ रहा है भाई, भाई गोरा आ रहा है एक नंबर यार, क्या बात कर रहा तू, तू स्मार्ट है यार शायद, ऐसे मत सोचा करो, लोगों को पता चलेगा शायद किस पे लगी बोल के। ओ भाई घर आ गया फाइनली, ये डॉगो शायद आया फाइनली फाइनली फाइनली। एक बंदा हमारी टीम में व्लॉग बनाता है वो फाइनली फाइनली करता रहता है। सो फाइनली गाइस आ चुके हम घर पे फाइनली। शायद भाई लो यहां से, तुम कंटिन्यू करो भाई। हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, मैं कितने दिन बाद आया हूँ यहाँ पे, 5 या 6 दिन हफ्ते बाद शायद, जब से हमने फोन लिया है मैं आज आया हूँ। चलो फिर करते हैं प्लानिंग और बताते हैं अब, समीर भाई आगे बताएंगे आपको क्या करना है। हाँ तो भाई आगे की प्लानिंग ये है कि अभी तुम्हारा भाई हार्ड ड्राइव लेकर आया है, हार्ड ड्राइव लेके आया भाई, इसमें डाटा ट्रांसफर मारना है, वीडियो एडिट तो अच्छा। वीडियो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही थी यार, स्टोरेज इतनी ज्यादा हो गई थी। बनाएंगे हिंदू हमने अंकित को, ठीक है बनाओगे क्या? टीका लगा के खड़ा होगा, सब्जी देख के मैं हो जाऊंगा भैया, वो फल चाहिए वो फल चाहिए। हिंदू भाई ये कह रहा है ये एक वीडियो में अंकित को हिंदू बनाएगा क्योंकि वो मैंने भाई वो तो है ही हिंदू यार, बनाना क्या उसको, ये बोला सब्जी वाला बनाऊंगा, सब्जी वाला सब्जी। तो चलो भाई अंकित ही आ गया, अभी दिखाई देते हैं आपको किसकी बात कर रहे हैं, किसको हिंदू बनाने की बात कर रहे हैं। तो अभी हम उसके पास जा रहे हैं, क्या हाल चाल है। ये भाई अंकित भाई हमारे, इसको भाई हिंदू बनाना है। हिंदू मैं हूँ भाई, क्या है तू हिंदू, ये कह रहा पहले से हिंदू है ये, लेकिन साहिल भाई कह रहा तेरे को हिंदू बनाना है। एक वीडियो शूट करेंगे उसमें इसको हिंदू बनाएंगे। तू वही है जैसे सब्जी वाला हुआ हिंदू धर्म का, मैं मुसलमान धर्म, मैं सब्जी वाला क्यों, कबाड़ी वाला बना उसको लगता तो वो है। और क्या शक्ल देख के रोल दिया करो। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था ना भाई, ये एक स्पॉट दिखा रहे थे व्हाइट कलर की, वो भाई अब ये बंदे ने प्लान ड्रॉप कर दिया, क्या हो गया भाई देखते हैं भाई, अभी ड्रॉप नहीं किया। अरे मैंने करवा दिया यार, वो ज्यादा बढ़िया, एक स्पॉट चलती नहीं है।
हाँ शायद यू कह रहा था कि भाई वो वीडियो वीडियो कर रहा हूँ। डिजायर या स्विफ्ट वगैरह कोई हो जाता है। मेरा तो मानना ये है कि एक बार लेनी है तो भाई सीधा रेंज रोवर या फिर भाई मर्सिडीज थार। जब किस्तें भरनी है तो इसी की भर लो। क्या बेचोगे? तुम्हारे पास कुछ है तो बेचो। दो चार किडनी है और मेरे दो चार दो इसकी चार दो तेरी चार हो गई दो चार छे भाई मैं तो चलाऊंगा ना। एक बंदा चलाने के लिए भी तो क्यों बचना चाहिए जिंदा। ये बंदा होली पे भी कुछ नहीं खिलाया और भाई तुम थे नहीं ना होली और आज होली के बाद आया तब भी कुछ नहीं खिलाया। ये कह रहा भाई चल लो मैं डब्बा दिला दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। एक डब्बा साहिल का, एक डब्बा मेरे घर पे, एक डब्बा साहिल के घर पे, एक डब्बा प्रिंस के घर पे। साहिल भाई के यहां पे नहीं, एक साहिल भाई रहेंगे ना, मेरे दो जाएंगे, एक मेरा और एक मेरे YouTube चैनल का। मेरे YouTube पर आएगा। कौन सा डब्बा दिलाएगा? भाई बंदे में दम है भाई। अच्छी अच्छी के अंदर डब्बे के अंदर कुछ होना भी चाहिए। काली डब्बे नहीं चाहिए, छोटा डब्बा बस ना वो ले लो। इसको गुजिया, मुझे घेवर, इसे काजू कतली। घेवर नहीं मिलेंगे भाई इस टाइम। काजू कतली चला लेंगे। तू काजू कतली या फिर भाई मैं वहीं जाके देख। ये तो समोसे वाला बंदा है। मैं वहीं जाके देखूंगा भाई। सुन के मान जाएगा। ठीक है गाइस, तो M2 के चलते हैं, मिठाई के डब्बे लेकर आते हैं और इसका मोबाइल का कवर वगैरह भी कुछ नया लेना है। वो जरूरी है भाई। तो फटाफट से चलते हैं और मिलते हैं आपसे फिर आगे। अभी आगे बोलेंगे कि मिठाई के डब्बे मिले नहीं। ओह 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 माय गॉड। सस्ता कबीर सिंह। गाइस कबीर सिंह आ गए हमारे इलाके में। हेलो गाइस कबीर सिंह। मुझे तो लग रहा है सूरज पे ही पैदा हुआ था। सूरज से आया है। ओ भाई, बाइक और तेरे कलर में कोई फर्क नहीं। यहीं आके करवाया कर ऐसे काम, रास्ते में नहीं बोला गया। यहाँ आके कह रहा है DC चौक में भाई की दुकान है, वहाँ से ले लो। मिठाई से तो नहीं बचना चाह रहा? नहीं भाई, पहले BTW आया है भाई। भाई जल्दी चलता है भाई, दिल से चलाइए। नवाज का भी टाइम हो रहा है, फटाफट चलते हैं। तो भाई लेने आए थे लेकिन यहाँ पे कोई मिठाई पसंद नहीं आई है, तो रियल रीजन शायद बताएगा। आपको क्यों पसंद नहीं आई? वजह ये है कि नहीं, मुझे तो पसंद आ गई, मुझे तो बहुत सारी पसंद आ गई है, लेकिन अंकित भाई की पसंद नहीं आई है। तुम्हारी पसंद भाई, बात यह है कि ज्यादा भी डब्बे ले रहे हैं तो इसका ज्यादा इतना सारा खर्चा क्यों कराना? बेचारे की शक्ल देख लो भाई, कर लो, मैंने मना नहीं किया तुम्हें भाई। हम ऐसे दोस्त नहीं है ना तुम्हारे खर्चा करा दे इतना ज्यादा। चलो भाई कहीं और चलते हैं, बढ़िया सी जहाँ से लेंगे उसका ना। असल बात यह है बंसी वाले का टेस्ट बहुत बढ़िया है, और की वजह नहीं है, नहीं तो पैसे तो उनके देखता नहीं है, हमें पता है। वही पहले मोबाइल वाले पे एक आधा कवर यहाँ भी देख लेते हैं और बंसी वाला से ले लेंगे मिठाई, घर के पास ही पड़ता है वो, तो यहाँ से कवर लेते हैं। नहीं तो DC चौक जाना पड़ेगा और DC चौक से फिर इसका कवर और वगैरह सब चीज़ देख लेंगे। चप्पल क्या हो गया भाई? इतना दोस्ती का पक्का है, चप्पल ले लेगा लेकिन मिठाई दिलाएगा भाई। टूट गया पहन ही नहीं, पहन नहीं रखी भाई ने, चप्पल पहन लेगा बंदा लेकिन मिठाई नहीं दिलाएगा। तुम क्यों बाहर खड़े हो? अबे ये ने सारे कवर यहाँ पे देख लिया लेकिन समझ कोई नहीं आया, कोई सेट नहीं बैठ रहा, किसी में कोई दिक्कत आ रही है, तो अभी यहाँ से फिर चलते हैं दूसरी जगह देखेंगे। एक कवर ले रहे चार बंदे, एक दो तीन कवर है। दिखाओ भी इसका 15 Pro का कवर। हम चार बंदों ने मिलके यहाँ पे मार्केट लूट लिया, इतना सारा भैया की दुकान खाली कर दी। भाई क्या क्या खरीदा भाई चार बंदों ने? बता। मैं नहीं बता सकता। बस एक इसके बैग पे लैमिनेशन चढ़वाई है। चार बंदों ने आगे। भाई नमाज का टाइम हो रहा है, अब कहीं नहीं जाना, सिर्फ नमाज पढ़ने जाएंगे सीधा और उसके बाद पहुँचेंगे घर और इफ्तारी की तैयारी करेंगे और आपसे फिर मिलते हैं घर पे, या नमाज के बाद सीधा घर पे मिलेंगे। हाँ ठीक है भाई। तो भाई नमाज पढ़ने जा रहे थे, एक चीज याद आई, बंदे से मिठाई तो ली नहीं भाई, लेंगे अभी, यही वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा। तो अभी इसको मस्जिद के बाहर वेट करवाते हैं, इसको जाने नहीं देंगे और नमाज पढ़ने के बाद मिठाई लेने जरूर चलेंगे। ठीक है भाई, हैप्पी होली आप सबको। भाई आ चुके हैं, अगला बैठा है यहाँ पे। हाँ भाई जल्दी आ। एक भाई ये हमारा छोटा सा मोटा सा दोस्त, इसके बाद में इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको, जिसने पूरे मनाली ट्रिप पे सिर्फ ये कहा ये छोटा सा है, छोटे होते हैं ट्रक के पीछे भी दिख जाए भाई को। पूरे मनाली ट्रिप पे सिर्फ ये कहा। तो चल रहे हैं भाई,
फटाफट से श्याम चौक बंसीवाला पे। देखो पीछे टायर की पूरी हवा निकली हुई है, पंचर हो रहा है, इसको जाके अब चेक करवाना पड़ेगा। फिर भी दो बंदे बैठ के जा रहे हैं, क्या करवा रहा है? घुमा भाई घुमा, करना कर कर। ये देखो ये देखो, इसको भी आती है भाई को। पंचर है क्या? पंचर चेक कर ले, देख ले आ रही है, आ रही है ना, बाल देखियो बाल ना, वहाँ से आ रही है पीछे से। अभी काम चला हूँ, इसमें हवा भरवा ली है और अभी जा रहे हैं मिठाई लेने। फिर इतनी देर से मैं आपको बोलने जा रहा हूँ मिठाई लेने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, और अभी तक मौका नहीं आया मिठाई लेने का, लेकिन फाइनली ये पहुँचने वाले हैं। इसीलिए आपको देखो उसमें हवा फिर से कम होने लगी है, आते टाइम उसका पंचर लगवाएंगे। तो भाई दोस्त से पार्टी लेने घुस गए यहाँ पे बंसीवाला पे, ये मिठाइयाँ दिखाते हैं आपको कौन कौन सी है। आधे किलो गुजिया, आधे किलो काजू कतली, आधे किलो लड्डू, ठीक है भाई? अरे भाई लड्डू लड्डू तेरे लिए। बंदा भाई ये ऐड करवा रहा है, ये कभी खाए नहीं होंगे अगले ने केक पे। अरे भाई ये भी है, कितना हो गया भैया बिल दिखा देना इनको। सस्ता हो गया यार, भाई कुछ और देख। ज़्यादा ही फायदा उठा रहा है, साला उठा के भी ला रहा है। तो भाई आ चुके हैं यहाँ पे सारे सारे डब्बे, काफ़ी भारी हो गया अंकित यार, थैंक्स अंकित भाई। चलो यार इसका टायर पहले खुलेगा, फिर टायर लेके जाएंगे पंचर वाले पे, और पंचर वाला फिर पंचर चेक करके उस पर लगाएगा, और फिर वापस लाएंगे और टायर फिर इसके अंदर लगवाएंगे। इतना बड़ा प्रोसेस है भाई इसका बुलेट का। भाई दो पंचर है और साथ में ट्यूब भी खराब है। नई ट्यूब कितने की भैया? 350 की। भाई बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ा दिया है, ट्यूब नई लगवानी पड़ेगी, और जो इसकी रिम है वो बार बार ट्यूब खराब करती रहेगी, तो जल्दी से वायरल कर दो। ऐसे आए बहुत सारे, नया टायर लगवाए और एक बार में पक्का काम हो जाए। तो भाई यहाँ पे पंचर लग चुका है, फाइनली चल रहा है बहुत लेट, फरदीन भी आ चुका है यहाँ पे। चलो भाई चल रहे फटाफट घर पे, और रोजे का टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझे लग रहा है जब तक घर पहुँचेंगे रफ्तारी का टाइम हो चुका होगा, तो फटाफट पहुँचते हैं। चलो तो गाइस आप देख सकते हो मम्मी ने ये कचालू बनाया है, तरबूज काटा है, और इतनी सारी पकौड़ियाँ तली हैं, और बेचारी खाना भी बनाया है। हाँ, थक गई मैं, पता है इतनी देर से लगी हुई थी, 5:30-4 बजे से लगी हूँ। तो भाई बेचारी मम्मी हमारी अकेली लगी रहती है, इनके लिए जल्दी से एक बहू लानी पड़ेगी, ठीक है? तो उसके लिए तो भाई नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, और मगरिब के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। अब मैं जो ईशा की नमाज़ पढ़ के बैठा हूँ, अब हो रहे हैं भाई 9:30 बजने वाले हैं। मिठाइयों की अनबॉक्सिंग कर रहा था अंकित भाई ने जो हमें दिलाई थी, लेकिन यार एक स्कैम हो गया, जो हमने मोतीचूर के लड्डू लिए थे वो कोई और से थे और ये कोई और से निकले। देखो देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं यार ये, और ये खाने में भी बहुत अच्छे होंगे। पूरे काजू की जो बर्फी होती है ना, उसी की तरह ये भी है काजू रोल, इसमें बस ये है कि इसमें ड्राई फ्रूट बने हुए हैं। तो भाई बाकी डब्बों में तो सब कुछ सही निकला है, लेकिन वो एक डब्बा जो है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, वो चेंज करके आएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। अंकित भाई ने इतने प्यार से अपना खर्चा करके दिलाया, क्या जो बात है भाई, बंदा बहुत बढ़िया यार, दोस्ती यारी में एक नंबर बंदा है। लेकिन कहते हैं ना हर किसी में कुछ चीज़ बेकार होती है, तो उसमें भी बहुत चीज़ें बेकार है, वो धीरे धीरे आपको आने वाले टाइम में बताऊँगा। लेकिन हाँ भाई बहुत बढ़िया बंदा है, हमारा तो है लड़कों का ऐसा हिसाब है, सामने खुल बेइज्जती करते हैं और पीछे जो है भाई दिल से तारीफ करते हैं, हर एक दोस्त कमीना होता है ना। अम्मी भाई ये खोल रही है, साथ में जो साहिल ने ये लिया था चॉकलेट, क्या बोलते हैं इसको, चॉकलेट केक। शाहिद भी आने वाला है, और उसके बाद हमें एक वीडियो शूट करनी है, वो शायद मैं एडिट करके कल पेज पे लगा दूँ, रमजान स्पेशल वीडियो होगी भाई, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके जरूर देखना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे जब शाहिद आ जाएगा, और जब हम इस डब्बों को लेके जाएंगे तब। तो चलते भाई, और मैंने जो कुर्ता पहन लिया है जो कि हमें शूट के लिए, थोड़ा सा माहौल वैसा दिखाना है कुर्ते का। 10 बज रहे हैं पूरे, अभी शूट निपटाते हैं, मैं 12 बज जाएंगे, फिर उसके बाद मुझे सहरी तक जो है उसको एडिट भी करना है,
और एडिट करके फिर अपलोड भी करना है, तो बहुत ज़्यादा काम हो गया आज के लिए। बाकी कल के लिए वीडियो भी अपलोड करके एडिट करनी है। चलो गाइस फटाफट से शूट करते हैं और फिर बिहाइंड द सीन वगैरह कुछ दिखा दूंगा आपको और फिर मिलते हैं। बाय। तो भाई पहुंच चुके हैं, अभी शूट की लोकेशन पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन भाई बच्चे को मोमोज खा लेते हैं। तो हम आ गए यहाँ पे सेक्टर 6 में ब्रोमो वाले पे। तो भाई जो खाना जल्दी खा ले, तो ये खा लेते हैं भाई उस शूट का, फिर इसके बाद में देखेंगे। जहाँ तक मुझे इनके स्वभाव से लग रहा है शूट आज हो नहीं पाएगा। तो भाई अभी शूट पे जा रहे थे, अब इस बंदे को चाउमीन लेनी है अपने घर वालों के लिए। तो भाई सारे काम आज याद आ रहे क्या? क्या हो गया भाई, चाउमीन तो ले रहा हूँ यार। अभी शूट का टाइम निकला जा रहा है, क्या टाइम है, 11 बजने वाले हैं यार, पता नहीं। अभी देखो आगे शूट का सामान लेना है, वो मिलता है नहीं मिलता भाई यार, मेन तो वो भी है। मुझे नहीं लग रहा तुम्हारे लक्षण आज शूट करोगे। कोई नहीं, आज ही होता कर लेंगे भाई, आज ही करना है। ले वो बैठ गया। अब चल रहे भाई शूट पे, और अगला स्टॉप सीधा शूट है, पक्का 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 है ना भाई? यार चलो भाई। गाइस यार एक बहुत बड़ा सीन हो गया भाई, आज मंगलवार है यार, कहीं बिरयानी नहीं मिल रही यार। अब शूट पे जा रहे थे, बिरयानी नहीं मिल रही यार कहीं भी भाई। 3-4 जगह चेक कर लिया, सारी दुकानें बंद है यार, और इतना लेट भी हो गए। सुबह से दिमाग में ही नहीं आया यार आज मंगलवार है, और मैं कह भी रहा हूँ कटिंग वगैरह करानी है, मंगलवार है। लेकिन भाई यार अब सारे बंदे अपने अपने घर जा रहे हैं, अब कल शूट करेंगे। तो गाइस घर पे जाके क्या ही मैं आपको दिखाऊंगा, तो इस ब्लॉग को आज करते हैं यहीं पे एंड। तो भाई मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, शायद साहिल भाई शुरुआत करेंगे। तो भाई सारे एक बार बाय कर दो, बाय। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे इसको, और कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय। मेरे जितने भी दोस्त है ना, मैं सबको होली के टाइम पे कहता हूँ भाई कुछ मत नहीं चाहिए, सिर्फ भुजिया चाहिए।